देख रहे हैं। ये कैथोड है, यहाँ पर भी कैथोड लिखा गया, ये एनोड है, ये एनोड और कैथोड आपस में जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनोड कैथोड आपस में जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम लोग ऑटोमेटिक चार्जर का वायरिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में इसका पार्ट वन देख चुके होंगे या देख लेंगे, पार्ट टू में हम आज सीखेंगे कि ऑटोमेटिक चार्जर का वायरिंग कैसे होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे पास ये मेन ट्रांसफार्मर है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेन ट्रांसफार्मर है और ये 18018 का ट्रांसफार्मर है या 909 का ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले हम इसकी वायरिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है इस साइड वाला और इस साइड वाले को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक उसी तरह से इस ट्रांसफार्मर के ये रेड वायर जो होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग है और इसका अपोजिट वाला सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका न्यूट्रल वाला वायर की वायरिंग करने जाना है। दोस्तों, तो आइए वायरिंग करने से पहले इसके डायग्राम को समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर हमारा डायग्राम देख रहे हैं ऑटोमेटिक चार्जर का, तो इसमें हमारा ये मेन ट्रांसफार्मर है और ये 0.18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, 0.18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है जो कि 500 मिली एम्पीयर का ट्रांसफार्मर होता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूं वो यहां पर बना हुआ है। साथ ही साथ ये जो मेन ट्रांसफार्मर है ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये वाला मेन ट्रांसफार्मर। अब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कौन है, तो ये इस साइड की है ये सारी वायरें, और इधर भी हम आपको यहां पर ये दिखा रहे हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग, और इसके ठीक अपोजिट ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक उसी तरह से इधर भी सेकेंडरी वाइंडिंग दिखाई गई। उसके बाद इसमें एक फैन लगा हुआ है, आप ये देख रहे हैं ये फैन है और यहां पर आपको एसी फैन दिखाया गया है। तो दोस्तों, अब हम इसकी वायरिंग करने जा रहे हैं, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले हमें न्यूट्रल का वायरिंग करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एसी इनपुट लीड का न्यूट्रल वाला टर्मिनल है या वायर है, ये सीधा आपको इस पॉइंट पे आया है और सबसे पहले आपको ये मेन लीड का एक वायर लेना है, उसके बाद इस जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 0.18 का उसका एक वायर ले लेना है और आपस में जोड़ देना है। उसके बाद इस फैन का भी एक वायर यानी एसी फैन का ये वाला वायर भी लेना है और उसे आपस में जोड़ देना है। साथ ही साथ मेन ट्रांसफार्मर का एक वायर जो है ये आपस में जोड़ दिया जाए, यानी सारे के सारे ये वायर यानी 1, 2, 3, 4 ये चारों वायर आपस में शॉर्ट करना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इस न्यूट्रल वायर की वायरिंग प्रैक्टिकल के रूप में हम मेन बोर्ड से हटकर रियल पे चलते हैं। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले इसे वायरिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये अंदर से वायर आया हुआ है इसे न्यूट्रल वायर कहा जाता है। मैंने इस मेन ट्रांसफार्मर का एक न्यूट्रल वायर ले लिया और जो 0.18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है इसका एक न्यूट्रल वायर मैंने यहां से ले लिया। ये दोनों वायर को हम सबसे पहले आपस में जोड़ दिया, इसे अच्छी तरह से जोड़ना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इस जो फैन है हमारे पास, इस फैन का दो वायर ये आ रहा है, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्लैक वाला वायर जो मैंने इसे थोड़ा एक्सटेंड किया है, बड़ा किया है, जो फैन से ही आ रहा है, आप गौर से देखिए तो ये फैन से ही आ रहा है। ये दोनों वायर मैं थोड़ा सा अलग करके दिखा दूं, ये दोनों अलग अलग वायर मैंने ट्विस्ट किया है थोड़ा जगह बचाने के लिए।
इनमें से कोई भी एक वायर लेकर के हम इसे न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ देंगे, जैसा कि मैं अब यहां पर जोड़ दिया। तो फिर से एक बात अब बताऊं कि मेन ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल वाला वायर हमने जोड़ा है, ये जो आप देख रहे हैं। दूसरा 0-18 वोल्ट का प्राइमरी वाइंडिंग का एक वायर मैंने इसे जोड़ दिया। तीसरा एक फैन का वायर, यानी ये तीन वायर आ चुके हैं। और चौथा ये मेन लीड है हमारा, जो कि एसी इन कराया जाएगा। इसमें जो ये दो वायर आए हुए हैं, ये दो वायर, इनमें से ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल का होता है, इसे भी हमें जोड़ देना है दोस्त, इसे अच्छी तरह से जोड़ देना है। इस तरह से आप देखिए तो इसमें टोटल वायर कितने हो गए, 4। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं काट देता हूं। ये मैंने ये 4 वायर को आपस में जोड़ दिया, और 4 वायर को आपस में जोड़ने के बाद इसे हमें सोल्डिंग करना होता है। सोल्डिंग हम कर सकते हैं, और सोल्डिंग करने से क्या होता है, इसकी पकड़ अच्छी हो जाती है, खुलने के चांस काफी कम होते हैं। दोस्तों ये चारों वायर को मैं जोड़ने जा रहा हूं। चार वायर को जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से जोड़ के और टेप लगा देना होता है दोस्तों, क्योंकि करंट आ सकता है। तो न्यूट्रल वायर की हमने वायरिंग कर दी है। अब हमें इस लाइव वाला वायर जो हमारे पास बचा हुआ है, इसकी वायरिंग करनी है। इसे वायरिंग करने के लिए हमें क्या क्या लेना होगा, सबसे पहले हम बोर्ड पे समझते हैं इस बात को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लाइव का वायर लाइन लिखा हुआ है, इसमें एक ऑन ऑफ स्विच आप लगा सकते हैं, फिलहाल मैंने नहीं लगाया है। ऑन ऑफ स्विच लगाने के बाद ये ऑन ऑफ स्विच के दूसरा सिरा आपको इस पॉइंट पे आ गया। अब हमें क्या करना है, इस ट्रांसफार्मर का, यानी जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 500 मिली एम्पीयर का, इसे आपस में जोड़ देना है। और साथ ही साथ इसे एक और वायर जोड़ करके हमें लॉजिक कार्ड पर कनेक्शन करना होगा, जो कि एसी का कनेक्टर होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लॉजिक कार्ड का कनेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखेंगे, फिलहाल हम एसी की वायरिंग को समझ रहे हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि पहले इसे जोड़ देना है। आइए जोड़ते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेन आपका ट्रांसफार्मर का एक वायर का प्राइमरी वाइंडिंग बचा हुआ है, और ये मेन लीड, ये मैं दोनों को आपस में जोड़ दे रहा हूं। जोड़ने के बाद अब ये लाइन इन वाले पॉइंट में जुड़ेगा, जो हमारे लॉजिक कार्ड से होता है। लॉजिक कार्ड में ये जाके जुड़ता है दोस्त। उसके बाद अब ये जो मेन वायर, जो मेन ट्रांसफार्मर का एक लाइव का मेन वायर बचा हुआ है, इस वायर को हम लाइन आउट में जोड़ेंगे, जो कि हमारे इस लॉजिक कार्ड में होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस कनेक्टर में यहाँ पर कनेक्टर है, यहाँ पे 4 कनेक्टर दिख रहे हैं। इनमें से जो डिटेल्स है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो 2 आप कनेक्टर देख रहे हैं, इसमें हमें इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग जोड़ना है, यानी 0-18 का या 909 ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे जोड़ा जाएगा, जो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख पाएंगे। साथ ही साथ इसके बगल में 2 और टर्मिनल है, इनमें से एक लाइन इन और एक लाइन आउट होता है दोस्त। इसको मैं उलट करके आपको समझा दूं कि ये जो 2 वायर हैं साइड साइड के 0-18 वोल्ट का, वो आप यहाँ और यहाँ जोड़ेंगे। साथ ही साथ जो ये 2 टर्मिनल बच गए, जिसमें लाइन इन और लाइन आउट होता है, वो हमारा ये वायर जो कि ट्रांसफार्मर से आया हुआ है और मेन लीड का है, वो मैं यहाँ जोड़ूंगा, एक यहाँ जोड़ूंगा, और जो मेन ट्रांसफार्मर का ये दूसरा सिरा है वो मैं यहाँ पर जोड़ूंगा दोस्तों। लेकिन इसका कनेक्शन हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे,
अभी हम लोग इसे चला करके देखेंगे कि ये सर्किट चलता है या नहीं, साथ ही साथ ब्रिज का भी कनेक्शन करना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम ब्रिज का कनेक्शन करने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ब्रिज डायोड का प्लेट है, इसमें सोलर डायोड का कनेक्शन किया गया है। इसे डायोड प्लेट भी कहा जाता है और ब्रिज डायोड का प्लेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे करना है इसे समझने के लिए फिर से एक बार बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं इसका कनेक्शन कैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सोलर डायोड लगाए गए हैं जो ब्रिज का कनेक्शन मैं करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने मैं आपको दिखाऊं कुछ ऐसा ही है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैथोड है, यहाँ पर भी कैथोड लिखाया गया, ये एनोड है, ये एनोड, और एनोड और कैथोड आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनोड कैथोड आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैंने इसे जोड़ दिया है। और ये सारे के सारे सोलर डायोड लगाए गए हैं दो दो करके, पहले सीरीज में फिर सीरीज में, जैसा कि आप देख रहे हैं सीरीज प्लस सीरीज फिर सीरीज फिर सीरीज, यानी यहाँ तक सीरीज है, उसके बाद थोड़ा सा गैप है, उसके बाद फिर सीरीज में लगा है एनोड कैथोड फिर एनोड और कैथोड, ठीक उसी तरह से एनोड कैथोड दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी एनोड कैथोड, चौथे वाले में भी एनोड कैथोड। तो दोस्तों अब मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ, सारे के सारे एनोड एक साथ जोड़ देने, इधर के सारे एनोड एक साथ जोड़ देने, और ये सारे के सारे कैथोड एक साथ जोड़ देने। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये सारे के सारे कैथोड है, ये कैथोड एक साथ एक ही ट्रैक पे जुड़ा है, देख सकते हैं आप ये सारे के सारे कैथोड है। मैं इसे पलटूं तो ये कैथोड जंक्शन का ट्रैक है, और ठीक यहां पर एनोड जंक्शन, ये सारे के सारे एनोड हैं। अगर आप इसे उलट के देखिए तो एक सेम ट्रैक है जैसा कि मैंने यहां पर दिखाया है। अब क्या है, ये दो हिस्सों में बीच वाला ट्रैक बटा हुआ है, तो इसलिए हमें इन चारों को एक साथ शॉर्ट करना है और इन चारों को भी एक साथ शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के बाद अब आपके पास एक ट्रैक तो ये सामने निकल के आता है और एक ये, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं एक ट्रैक ये अलग है, इसे अगर मैं इसे मैच कराऊं तो कुछ ऐसे लगा हुआ है ये वाला, और ये यहां पर मुझे तार जोड़नी पड़ेगी। फिर दूसरा ट्रैक ये है, ये आपको हमने ऐसे शॉर्ट करके एक तार निकाल दिया जो कि कहां जुड़ेगा, ये जो मेन ट्रांसफार्मर है उसके सेकेंडरी में, ये मैं आपको जोड़ के भी दिखाऊंगा। फिर ये जो दूसरा ट्रैक है जो यहां से निकलेगा एक वायर के थ्रू ट्रांसफार्मर में जाके जुड़ेगा इस वाले टर्मिनल, तो मैं इसे जोड़ देता हूं, कुछ ऐसे जुड़ गया। तो दोस्तों ये दोनों ट्रैक तो जुड़ गए, अब हमारे पास ये दो ट्रैक बचा जो आउट होकर के चला जाएगा बैटरी में, और लेकिन बैटरी में जोड़ने से पहले इसमें एक एम्पियर मीटर लगता है, एम्पियर मीटर के साथ ये जुड़ेगा और फिर चला जाएगा बैटरी माइनस वाला टर्मिनल, ये चला जाएगा टू बैटरी, और लाइव वाला तार यानी ये रेड वाला प्रोब सीधा एक वायर निकल करके भी ये भी बैटरी में चला जाए। लेकिन इसके साथ माइनस वाले के साथ ही एम्पियर जोड़ना है, ये पॉजिटिव है और ये बैटरी से जाके जुड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब मैं इसके सेकेंडरी साइड का कनेक्शन करने जा रहा हूं रियल, और आप इसे गौर से देखिए कैसे होगा इसका कनेक्शन। इसके लिए सबसे पहले ये जो दो वायर हैं, ये वायर आप देख रहे हैं ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका है इसका कनेक्शन नहीं किया जाएगा, और ये क्यों है आप हमारे पहले वीडियो में देख सकेंगे। ये दो वायर है, अब ये दो वायर एसी का आया हुआ है, और मैं अब ये वाला टर्मिनल एनोड कैथोड जंक्शन पर जोड़ने जा रहा हूं, तो इसके लिए हमें आयरन से सोल्डरिंग करना होगा।
एनोड कैथोड जंक्शन पर मैं इसे जोड़ रहा हूं। दोस्तों अब मैं इसे सोल्डिंग कर चुका हूं, तो प्राइमरी साइड की वायरिंग करने जा रहा हूं। दोस्तों तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये लाइन इन है। अब लाइन आउट के लिए आपको केवल दो वायर जोड़ने हैं, एक फैन का और एक मेन ट्रांसफार्मर का। इन दोनों वायरों को जोड़ने के बाद आपको बोर्ड के अनुसार लॉजिक कार्ड में जोड़ना होगा, जो कि मैंने आपको यहां पे बता चुका हूं कि आपको यहां पर जो लाइन इन का है और लाइन आउट का है कनेक्शन हमें करना होगा, जो हमारे दूसरे वीडियो में आपके सामने आएगा। लेकिन मैं फिलहाल इसके आउटपुट वोल्टेज दिखा दे रहा हूं कि क्या आउटपुट मिल रही है या नहीं है। दोस्तों तो मैं अब क्या कर रहा हूं कि ये लाइन इन को और आउट को एक साथ शॉर्ट करके हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी वायरिंग सही है या नहीं। तो लाइन इन और लाइन आउट के जो दो वायर है वो उसको मैं आपस में जोड़ दे रहा हूं दोस्तों, और जोड़ करके देखते हैं कि इसका आउटपुट हुआ या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब इसमें एसी इन करानी पड़ेगी। एसी इन करा करके अब देखना है कि क्या फैन चला या नहीं। तो दोस्तों फैन चल चुका है, और फैन चलने के बाद हमें इसे आउटपुट वोल्टेज भी चेक करना होगा कि क्या आउटपुट वोल्टेज मिला या नहीं। इसके लिए हमें आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेना है। देखिए आउटपुट वोल्टेज ये माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए चेक करना है। इस साइड में प्लस है तो मल्टीमीटर का प्लस यानी रेड वाला वायर यहाँ जोड़ देना है, और माइनस। देखिए दोस्तों 96 या 97 वोल्टेज हमें आउटपुट प्राप्त हो गया, इसका मतलब हमारी वायरिंग में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर ये चार्जर बहुत अच्छी तरह से आउटपुट देने लगा है दोस्तों। लेकिन लॉजिक कार्ड का कनेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, या इसके बारे में जानकारी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप इसकी वायरिंग देख चुके हैं, आपको ये कैसा लगा आप कमेंट में जरूर देंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।